यूनिसेफ इंडिया के एक कार्यक्रम में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और एक्टर आयुष्मान खुराना मैदान पर बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए। दरअसल विश्व बाल दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को अपने स्टार से मिलने का मौका मिला। विश्व बाल दिवस के जश्न के मौके पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी मैच में सचिन तेंदुलकर एकादश की टीम, अभिनेता आयुष्मान खुराना एकादश के सामने थी, जो गरीब बच्चों के लिए ड्रीम फुटबॉल डेट साबित हुई। जैसे ही सचिन तेंदुलकर आदिवासी लड़की गोलापी बास्के से हाथ मिलाने आगे बढ़े, वो भावुक हो गईं। गोलापी ने तेंदुलकर के साथ सेल्फी खींचने के बाद कहा कि मुझे कई बार गोल करने के लिए बधाई दी गई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट के बड़े स्टार के साथ आज हाथ मिलाऊंगी। बता दें कि यूनिसेफ इंडिया 14 नवंबर यानी राष्ट्रीय बाल दिवस से 20 नवंबर यानी विश्व बाल दिवस तक कई एक्टिविटी के माध्यम से बाल अधिकार सप्ताह मना रहा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी बच्चे लिंग, जाति, धर्म, दिव्यांगता या फिर कोई अन्य स्थिति जो उनके लिए खुशी मनाने के लिए हो, उससे जोड़ा जा सकेगा। इसमें विशेष रूप से अधिकारहीन और कमजोर बच्चों को शामिल किया जाएगा। आयरन लेडी कही जाने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज 105वीं जयंती है। आज इस मौके पर इंदिरा गांधी को पूरा देश याद कर रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इन दोनों नेताओं के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई पार्टी नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का गठन किया। देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गईं। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक इस पद पर बनी रहीं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित। मेहरोली हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। केस की गुत्थी सुलझाने के सिलसिले में पुलिस छतरपुर पहुंची, जहां एक किराए के मकान से श्रद्धा वॉकर के कपड़े इकट्ठा किए हैं, जिसे उसने अपने लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला के साथ साझा किया था। पुलिस ने दावा किया है कि अपराध टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा किराए के मकान और अपराध की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि जिस घर में आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, वहां से कई सामान पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। वहीं एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आफताब के खुलासे के बाद कुछ वन क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए, जहां से हड्डियां बरामद की गई। बता दें कि जांच के दौरान जो हड्डियां मिली हैं, वो श्रद्धा की हैं या किसी और की, इसकी जांच के लिए श्रद्धा के पिता और भाई के खून के नमूने डीएनए जांच के लिए जमा किए गए हैं, जिसमें करीब 15 दिन का समय लगेगा। साथ ही अधिकारी ने कहा कि पुलिस की टीमें लापता कंकाल के हिस्सों की बरामदगी के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं। बता दें कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें आफताब बैग लटकाकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो जब्त कर लिया है। बता दें कि आफताब को जांच के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी जगहों पर ले जाया जाएगा। मालूम हो कि मुंबई से शिफ्ट होने के बाद दोनों कई जगहों पर गए थे। ऐसे में पुलिस इन जगहों पर पहुंचकर पता लगाएगी कि सफर के दौरान ही तो दोनों के बीच ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ जिसके बाद श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जेल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए मालिश करवाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल
आप नेता सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ खुलकर सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और युवा नेता तजिंदर बग्गा ने हरिनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमने हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की है, दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 चैप्टर 11 सेक्शन 46 का पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 27 के खिलाफ, जो उन्होंने वॉयलेट किया। और दिल्ली प्रिजन डिसिप्लिन डेली रूटीन ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट रूल्स 1988 रूल 2 मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को उन्होंने जो वॉयलेट किया, उसके खिलाफ अभी हमने हमारे भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने और बग्गा जी ने वहां पे हरिनगर में कंप्लेंट दर्ज की है। सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेल में सत्येंद्र जैन को थेरेपी दी जाती है, जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस साल की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 सिनेमा घरों में 18 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन और अक्षय खन्ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने मुंबई में थ्रिलर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। स्क्रीनिंग में विशाल भारद्वाज, सोहेल खान, विद्युत जामवाल, हर्षवर्धन कपूर, शरद केलकर, सौरभ शुक्ला, श्रेया सरन, तब्बू, काजोल और अजय देवगन के साथ कई स्टार शामिल हुए। दृश्यम 2 की स्क्रीनिंग के लिए अजय देवगन के साथ काजोल भी नजर आई। काजोल ने इस मौके पर ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। स्क्रीनिंग के दौरान काजोल और अजय दोनों ही ब्लैक कलर के आउटफिट्स में ट्विनिंग कर रहे थे। वहीं हस्बैंड वाइफ ने जमकर फोटोज भी क्लिक कराए। वहीं श्रेया सरन अपने हस्बैंड एंड्रॉय केशव के साथ पहुंची। उन्होंने इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए रेड कलर की साड़ी पहनी थी और एंड्रॉय अपने सूट में डैपर लग रहे थे। इस कपल ने रेड कार्पेट पर एक दूसरे को किस किया। इशिता भी अपने हस्बैंड वत्सल सेठ के साथ पहुंची। तब्बू स्टाइलिश बेल्ट के साथ फिरोजा मीठी ड्रेस पहनकर दृश्यम 2 की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची। दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करने की उम्मीद है, क्योंकि इसके ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म दृश्यम 2 का हिंदी रिमेक है। मोहनलाल की दृश्यम का कई भाषाओं यानी तेलुगु, तमिल, हिंदी में रिमेक किया गया है। वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट भी मलयालम भाषा में रिलीज हुआ था, जिसके बाद इसे तेलुगु और अब हिंदी में रिक्रिएट किया गया है। तिहाड़ जेल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन मसाज करवाते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी ने एक विशेष पीएमएलए अदालत को बताया था कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली जेल में शानदार सुविधाएं मिल रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैन बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जेल में कैदी को मसाज दिया जा रहा है। ये कितना चिंताजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लिखा है कि कट्टर ईमानदार पार्टी ने तिहाड़ जेल में ही अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए खोला मसाज पार्लर। सत्येंद्र जैन जेल में यूं करवट बदल बदल कर दिन काट रहे हैं। गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेल में सत्येंद्र जैन को थेरेपी दी जाती है, जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का
उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल पर दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर से पार्टी नेताओं को गिफ्ट देने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है, पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें। तो फिर मुकेश जी बोलते हैं, तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं आप, सोचिए मतलब किस प्रकार के लोग हैं। मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रोऊं की हंसूं ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है, नहीं 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 सर, नाजायज़ हो जाएगा, 1 कहाँ से करूँगा मैं। देखिए कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा मेरा, मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी, ना 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 ना, मत आइएगा फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है, मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं, और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है। अफसर, बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते, चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना, अगर इसका हिसाब बने तो आइयो वरना मत आना, बताइए। और बाद में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है, मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का। संबित पात्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि एमसीडी चुनाव में करारी हार दिखाई देने के बाद बीजेपी ने एमसीडी में अपने भ्रष्टाचार और कुशासन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गंदी राजनीति का सहारा लिया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल ने कहा कि वो पात्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया जो कि फर्जी ऑडियो है, और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को कंट्रोल किया है और इस दौरान वो कई घोटालों और करप्शन के उदाहरणों में शामिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। वीडियो और ऑडियो आज संबित पात्रा जी ने लगभग आधा घंटे तक लच्छेदार भाषण देकर, लच्छेदार ऐसे जैसे वो वहीं बैठे हुए थे जो सारी चर्चाएं हो रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है वो वहीं बैठे हुए थे, वहीं बैठे बैठे सारे उनके सामने स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूँ, और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पर उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।